जी, क्योंकि देव तो बहुत हैं लेकिन महादेव एक ही है, एक है, और जिसके नाम के आगे महा जुड़ जाए तो फिर वो महा होता है। भैया जी, तो देखिए ये गीत भगवान भोलेनाथ के चरणों में रखते हैं। बिल्कुल। और पल की सुनेगा भैया जी, क्योंकि कहना है मुझे भैया जी कि निकला चेहर जिस पर अरणी महन भैया, संजय भैया बुला रहे, इधर आइए बुला रहे, प्लीज प्लीज। समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न में सबसे पहले जब विष निकला, आदरणीय भैया जी, तो सभी देव पीछे लेकिन महादेव आगे। ये भी नारायण की कृपा है। आदरणीय आचार्य जी, गीत को सुनेगा आप लोग, निवेदन है, जैसे निकला चेहर जिस पर तो सब देव अकुलाए, समस्या आखिर इस विष का किया क्या जाए, क्या किया जाए, तो देवों की तब वो दे महादेव है जिनके नैनों में छुपा हुआ है। भगवान भोलेनाथ त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिपुंडधारी हैं, और जब ऐसा देखा तो देखिए मेरी पंक्ति कहती है भैया जी, जिनके नैनों में छुपा हुआ है मरण और जीवन, मरण यानी तीसरा नेत्र अग्नि है, जीवन देने वाला जल यानी गंगा मैया से फर्क, तो कहना पड़ा भैया मुझे, जिनके नैनों में छुपा हुआ है मरण और जीवन, ऐसे उमा के पिया, ऐसे उमा के पिया, लेकिन समस्या है विष जैसा पिया शंकर ने, अरे विष जैसा पिया शंकर ने देख कर के है विचलित जाओ, अरे ऐसा क्या किसी ने किया, सागर का पूरा जल पी लिया, बहुत सी बातें, लेकिन ऐसा क्या किसी ने किया, कोई नहीं हुआ। आइए भैया जी दूसरी बात देखिएगा, अरे जिन्हें भक्त मिल गए थे, लेकिन एक बार रावण पहुंच गया भगवान भोलेनाथ के पास, कहने लगा हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मैं आपका आत्मलिंग लेने आया हूँ। भगवान भोलेनाथ ने दे दिया, लेकिन नजर पड़ी बगल में कि मैया बड़ी सुंदर सी बैठी है, जय हो, बड़ी सुंदर सी बैठी है, कहा इनका क्या करेंगे, इनको भी दे दीजिए, और क्या। तो देखिए होता क्या है भैया जी, रावण शिव जी ने, रावण को शिव जी ने, अरे देव
पर हो जाए कृपा कृपा कर की तो करिए मनाए जलता खुशी का दिया। अरे जिसको इतनी सुंदर सी नारी मिल जाए और वो भी माता भवानी जैसी तो कहना पड़ा अरे जलता खुशी का दिया। अब तीसरी बात देखिएगा भैया जी, नारी रूप भी धरते बहुत से रूप बाबा भोलेनाथ के मिलते हैं, कहीं वानर बनते हैं कहीं बन जाते हैं, कहीं नर बनते हैं कहीं बनाते हैं, बहुत सारी बातें लेकिन भोलेनाथ के लिए कहना भैया जी नरी रूप भी धरते और यही भोलेनाथ। अरे अरे बनते कभी नारी शाबाश, रास में नारी बनकर पहुंच गए लेकिन कभी आधे में नर कभी आधे में नारी लेकिन एक खास बात अमृत व जहर संग संग, अमृत यानी मस्तक पर चंद्रमा है और कंठ में विष है, अद्विति भगवान भोलेनाथ का परिवार है, रिद्धि सिद्धि बहुए हैं, गजानन विघ्न कर्ता विघ्न हर्ता उनके पुत्र हैं, लक्ष्मी बहु हैं, ऐसा परिवार दूसरा किसी का नहीं। हाँ, उन्हीं के पास फायर भी है ब्रिगेड भी है, ब्रिगेड भी है, इसीलिए कहना भैया जी अमृत व जहर संग संग सोमत संग पानी और अगर ऐसा क्या किसी ने किया तो एक तन में दिखे दो तन जिन्हें आदित्य का कोई न मरे ऐसा क्या किसी ने भगवान की बोलिए सच्ची दरबार की। आइए ये तो गीत नफरत की दुनिया को
और हमारे मंच के जो संचालन कर रहे हैं भैया जी ने कहा जवाब बढ़िया है, आप अपना सुना रहे हैं, वो अपना सुना रहे हैं। और एक बात और एक चक्र में कही गई थी, एक लोगों ने कहा था कि लेडीजों में बड़ी लड़ाई होती है। हाँ राकेश भाई जी ने बताया था कि बड़ी लड़ाई होती है। तो भैया भैया हम अपना अपना जानते हो, काहे सुना रहे हैं, जैसे लड़ाई ना हो और क्या, जग हसाई ना हो, ये जग हसाई ना हो, रोती है वो बहन की जिसके भाई ना हो। लोगों ने मजाक बना दिया औरतों का कि औरतें लड़ाई करती हैं, लेकिन आज हम बहनों ने इसका प्रमाण दिया है कि दो लेडीजों की जवाबी तो हो लेकिन उसमें लड़ाई ना हो। भैया जब्बू गौतम जी आपके करकनों से 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है, आपने बेहतरीन गीत दिया था, आपने गाया है कि जिनके नैनों में छुपा हुआ है मरण और जीवन, ऐसे उमा के पिया बिस जैसा पिया शंकर न देख कर विरमित हुए हैं जल, ऐसा क्या किसी नैनों में ज्वाल है, अमृत है भाल चंद्र में, गले में विष है, तमाम जगह से आपने लाने का प्रयास किया है और क्या, वैसे कोई जगह छोड़ी नहीं है, ना ना कोई जगह छोड़ी नहीं है। अब मुश्किल इस बात की है कि शायद श्रोता आ गए तो वो बैठेंगे कहाँ, कुर्सियों पर। आइए सुनना गीत को, सुनना कोई महल बनवा लेते, हाँ हाँ। कहीं और चले जाते और क्या, बोले ना शमशान पर ही क्यों है, क्यों है, बोले ना तुमने कहा है उमा, है उमा, मैंने अपना बात शमशान घाट पे इसलिए चुना है भैया जी, दुनिया में लोग चाहे जितना घूम के आए, हाँ। चाहे जितनी बड़ी गाड़ियों में घूम ले, बड़े बड़े मकानों में रह ले, लेकिन आखिरी में यही आना पड़ेगा। तुमने कहा काय को भटके इधर उधर, इतनी फुर्सत कहाँ है, जहाँ आना वहीं बैठे जाते हैं। और यहाँ मैं इसलिए आया कि दुनिया में जाऊंगा तो लोग बताएंगे कि ये राजा है, वो उनके सिपाही हैं,
वो इतने बड़े हैं, वो इतने छोटे हैं। समसान, समसान का मतलब सम माने बराबर, और क्या सान माने इज्जत, जहाँ सबकी इज्जत बराबर हो उसे कहते हैं समसान। समसान ना यहाँ कोई राजा है ना कोई रंग है। भैया जी सुनिएगा, सुनिए। शिव अविनाशी छोड़ कर काशी सोन चुना शमशान, ऐसे और प्रयास सुनिएगा, कुछ भोलेनाथ दिलाने का प्रयास कर रही हूँ भैया जी, क्योंकि वक्त के साथ, वक्त के साथ मिट जाती हैं हस्तियां कैसी कैसी, तूफानों ने उजाड़ डाली बस्तियां कैसी कैसी, ये दौलत वाले लूट रहे हैं मस्तियां कैसी कैसी, दौलत वाले लूट रहे हैं मस्तियां कैसी कैसी, और जरा सी तूफान में ही डूब जाती हैं कश्तियां कैसी कैसी। क्योंकि संसार के बाहर लिखा था कि मंजिल जो तेरी यही थी, बस उम्र गुजार दी आते आते। शमशान के बाहर लिखा था मंजिल जो तेरी यही थी, बस उम्र गुजार दी आते आते। अरे क्या मिला इस जमाने से, अपने ही जला गए जाते जाते। सुनिएगा, सुनिए। सुतरा झपताल मैं तिहाई के बजा गए हो बेटा, दस मात्रा। दस दिन हो गए हम लोगों को एक रात सोने को नहीं मिला है। हाँ, दसवीं रात में अक्सर कर दस मात्रा झपताल बजाता है ये लड़का। ईमानदारी से मानिए, इतनी मेहनत हम लोग कहीं करते नहीं है। सही बता रही, इतनी मेहनत हम लोग कहीं नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन मेहनत कलाकार नहीं करता, आप लोग करवा लेते हैं। और क्या, लोग कहते कि फलाने के यहाँ कार्यक्रम बेकार हो गया, मैं कहती कार्यक्रम बेकार कलाकार नहीं करते हैं। हाँ। कार्यक्रम बेकार सुनने वाले कर लेते हैं। और क्या, चूंकि एक कलाकार को ज्यादा प्रोत्साहन दे दिया, एक को कम दे दिया, कार्यक्रम खराब हो गया। और क्या, लेकिन यहाँ सब बराबर का सम्मान है। यह तक दोनों कलाकारों को बराबर पे आप लेते रहेंगे, भले ही किसी का अच्छा लगता रहे, लेकिन नजर में सबकी आए कि बराबर है, तो कार्यक्रम कुछ समय तक अच्छा चलता रहता है। और उस समय तक ही नहीं, कार्यक्रम पूरी सफलता की ओर बढ़ जाता है। उस सफलता का श्रेय जाता है श्रोताओं को और आयोजकों को। क्या बात है, सुनिए। दिखाया है इधर वास्तविकता भोलेनाथ बनेंगे राधा और माता भवानी बनी कृष्ण। तब मन मोहन के मोह डूबे सुन के मुरली की तान, ऐसे उमा के पिया ओ
जो कुछ